सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज। तो यार होप सो आप सभी की काउंसलिंग अच्छे से चल रही होगी, चॉइस फिलिंग आपने कर दी, कुछ की नहीं हुई है, कुछ की हो गई होगी। अगर आप अभी भी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, 450 रुपीज प्राइस है। अब हमारा फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, पेमेंट करेंगे विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको जो है चॉइस फिलिंग मेल कर दी जाएगी, ठीक है। अगर अब से आप पेमेंट करते हैं तो विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर आपको चॉइस फिलिंग आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि भैया मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, तो मैं बता दूं कि मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, आपने जो चॉइसेस फिल करी है उसके हिसाब से आपको जो है ट्रेंड्स को देखते हुए क्या ब्रांच अलॉट हो सकती है अगर आप फर्दर आगे जाते हैं। तो मतलब आपको एक फेयर आइडिया लग जाता है कि हाँ एंड तक होते होते लास्ट ईयर के हिसाब से मेरे को ये ब्रांचेस अगर मैं भरा हूं तो मेरे को ये मिल सकती है, ठीक है। बट मॉक सीट अलॉटमेंट में मान लो आपको NIT सूरत या NIT नागालैंड कुछ अलॉट हो गया, तो आप उसको कंफर्म नहीं मान सकते कि लास्ट तक मेरे को ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे 30-40% क्राउड ऐसा रहता है जो मॉक सीट अलॉटमेंट तक अपनी चॉइसेस ही नहीं बढ़ता। 30-40% कैसे भैया, क्योंकि जो ड्रॉपर बच्चे हैं उन्होंने लास्ट ईयर काउंसलिंग कराई है, उनको पता है कि मॉक सीट अलॉटमेंट एक ड्राई रन काउंसलिंग राउंड होता है, तो मॉक सीट अलॉटमेंट को सीरियसली लेते नहीं और मॉक सीट अलॉटमेंट तक अपनी ब्रांचेस भरते नहीं। क्यों? क्योंकि मॉक सीट अलॉटमेंट में अगर आपको कोई ब्रांच मिल जाती है तो श्योरिटी ने लास्ट तक जाते जाते वो मिलेगी, बट हाँ आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा और उससे आप अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हो कि हाँ यार मैं इसको ऊपर भरता तो ये मिल जाती, नीचे भरता तो ये मिल जाती। तो वो एक आप एक ड्राई रन काउंसलिंग राउंड होता है, तो वो आप उससे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कितने मॉक सीट अलॉटमेंट होंगे? 2 मॉक सीट अलॉटमेंट होंगे, जिसमें पहला मॉक सीट अलॉटमेंट कल आएगा। अगर आज शाम को 8 बजे तक आप जो चॉइसेस सेव कर दोगे उसके बेसिस पे जो सीट आपको ऑफर होगी वो कल मॉक सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में ऑफर होगी। मान लो आपने 8 बजे तक चॉइसेस सेव कर दी, अब आपको रात को 9 बजे आपने एक और ब्रांच ऐड करके फिर वो सेव करी, तो वो मॉक सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस में कंसीडर नहीं होगी। आज रात को 8 बजे तक जो आप प्रेफरेंसेस सेव कर दोगे उसी के बेसिस पे आपको मॉक सीट अलॉटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अलॉट होगा, ठीक है, अगर एलिजिबल होंगे तो। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, रफ आइडिया कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा आगे काउंसलिंग में होने वाला है, मेरे को इस राउंड तक आते आते ये मिल जाए। तो मॉक सीट अलॉटमेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, चॉइस फिलिंग आप 2 बार होगा मॉक सीट अलॉटमेंट, आप 20 तारीख तक आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपको देखना है कि मॉक सीट अलॉटमेंट में कैसा है क्या है, तो आप आज रात को 8 बजे तक चॉइस फिलिंग अच्छे से कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारा पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ले सकते हो। पहली बार चैनल पर आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। मॉक सीट अलॉटमेंट होप सो क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर पूछिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।